साहब, चांदपुर में घटना हुई थी अपहरण की, स्टेनो का अपहरण किया गया था, क्या पूरा मामला था? आज सुबह एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई जिसमें कि जेएम चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। सनसनीखेज घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने स्वाट की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए और अपहरण की बरामदगी की गई। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ में घटनाक्रम ये पाया गया कि ये विगत वर्ष इनका एंगेजमेंट हुआ था और अंकुर ने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। ये लोग उसको धमकी दे रहे थे और आज उसको बलपूर्वक उठा लिया और उनका उद्देश्य था कि ये आज वहाँ से शादी का जोड़ा भी बरामद हुआ। ये आर्य समाज नजीबाबाद में उसका बलपूर्वक विवाह करना चाहते थे अपनी घर की कन्या के साथ, जो एंगेजमेंट टूटी थी। इसमें उनका कहना था कि अगर विवाह नहीं करेंगे तो हत्या कर देंगे, इसी उनका आशय था। तो इस प्रकार से ये एक अत्यंत सनसनीखेज संगीन घटना थी जिसमें हमारी पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कितने घंटे में खुलासा, क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में स्वाट की टीम 4 घंटे के भीतर और चांदपुर की टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अपहरण को बरामद किया। इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, टीमें सक्रिय हैं, यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका जो अपहरण हुआ था किन लोगों ने किया था और क्यों किया था और कहां से किया था? मैं मॉर्निंग 9:40 पे ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था बाबू, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, रास्ते में 2 लोग मिले मुझे, उन्होंने बाइक रोकी, चाबी निकाली, पीछे से कार आई, उन पे लड़कों पे हथियार थे, सब पे तमंचे थे इन पे, उन्होंने मुझे गाड़ी में घेर लिया, बोले कि गाड़ी में बैठे, नहीं बैठे गोली मार देंगे। वहाँ से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए नजीबाबाद घुमा फिरा के, पूरे रास्ते तमंचे दिखाते रहे, बोल लेगी आज हमारा शादी करेगा या तो यानी गोली मार देंगे। ये मैटर हमारी शादी फिक्स हो गई थी पहले, तो उस बीच में मेरी बात हुई तो बात बिगड़ गई हमारी आपस में, तो हम बोल लेते हैं इनसे कि हम शादी नहीं करेंगे, आप फैसला कर लो जो आपका है, हम देने के लिए तैयार हैं। तो बीच बीच में हमारा पंचायत हुई, फैसला भी हो जाता है पंचायतों में, घर जाके फैसले के लिए मना कर देते हैं। तो ये बराबर धमकी दे रहे थे, या तो शादी करेगा या गोली मार देंगे, नहीं उठा के मंदिर में शादी कर देंगे। तो आज मॉर्निंग की घटना है कि मैं ऑफिस जा रहा था, इन्होंने रास्ते में उठा लिया, सब तमंचे थे, बोल ले या तो आज शादी करेंगे या गोली मार देंगे। कितने लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था? 5 जने ये अपहरण करने में थे, 3-4 जने ये वहाँ थे, 6-7 जने। अच्छा, कहाँ ले गए थे फिर ये? नजीबाबाद। नजीबाबाद में किसी कहाँ दहेज के लिए बात बिगड़ी थी शादी? नहीं सर, हमारी आपस में ही बात बिगड़ी थी फ़ोन पर, दहेज वहेज का वैसे तो कोई मैटर है नहीं। तो हमारी टीमें सक्रिय हुई, तत्काल क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में चांदपुर की टीम और हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम सभी सक्रिय हुई और के सामने बना लिया ना आप एक्स्ट्रा करेंगे ये बना लो हो जाओ यार, हो गया काम, और है ना सुजिन।